भाभी के पापा को छोड़ने आए हैं, है ना? आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, रोने तो नहीं वाले? वो वैसे ही मेरे चश्मा कैसा लग रहा है, मैं अपनी बहन का पहन के आ गई हूँ। बहन का नहीं है, मेरा है। अच्छा, भाभी सा का है, अभी तो बहन जैसी हो। जल्दी A few moments later. ये मेरी भाभी का पहला करवा चौथ, तो उनके मायके से ये सारी चीजें आई है और ये कुछ ज्यादा ही खुशी है। ये चलो चलो दिखाओ, ज्यादा डिमांड कर ली होगी, वो इतना लग रहा है, इतना सबको है। जीवी लियाना, जीवी लियाना। हाँ, तो ये सारी चीजें आई है, इनका पहले करवा चौथ है तो मायके से आता है। मेरी मम्मी के दामाद से शुरू करते हैं, ये मेरे दामाद, इनके दामाद करीब मेरे दामाद के लिए चल रहा है मेकअप। देखते हैं भाभी की खुशी का ठिकाना क्या होता है। वाह, ये अच्छी लग रही है। कितना सुंदर है। अरे वाह, मेरी लाइटिंग में अच्छा नहीं दिख रहा। नहीं, सच में बहुत यूनिक डिजाइन। अरे वाह, और मोर बना है, मोर वाला है। सीधा मेहंदी का डब्बा। इनके मेकअप को पिटा रहा, इनके खूबसूरती का रहा, ये सारी चीजें। चुन्नी है माता जी की। साड़ी पहन। ये मेरी भाभी के लिए बिछिया आई है, जो कि मैंने हाथ में पहन लिया है। इनके पैरों की बिछिया है। ये मत दिखाना, बंद कर दो। और हाईलाइट कर रही है। मेरे चेहरे पे क्यों दिखा रही है? अच्छी लग रही है। खुद के चेहरे पे जाके ज्यादा अच्छी दिख रही है। 2000 years later. राहिब देखेगा कि इसने तुम्हारी वॉच ले ली है। श्रेयान दिखाओ ना, और बना ले ताकि वो फूट फूट के बोले। ये देख, खा ले, तुम भी खा ले। मैंने खा लिया। चाय के लिए रख लीजिए, मैंने जिसको पीना पी ले। वो तो ठंडी हो गई ना। और शिवी, A few moments later. बाय शिवी, बाय छोटू। ओके, निकली अच्छी लग रही हो। यही तो सुनना चाह रही थी। क्या कर रही हो? बदरवाल चाय जला नौ कर दी। जब मम्मी बहुत गुस्से में होती है तो काम करने लगती हैं, ऐसा कुछ है। पूरा घर के जाले वाले सब साफ होने लगते हैं, हैं? तो गुस्सा है बहुत तेज। कर दो जाले साफ, बहुत हो रहे हैं। यहाँ लग रही है मेहंदी, इतने सारे कौन लग जाएंगे पूरे? लोग के लिए है। ये कल दुल्हन बनोगी? सेकंड टाइम दुल्हन। बहुत एक्साइटेड हूँ। उपवास रख रही है तो कब उपहार खा रही है का? हम भी तो उपवास रहते, हमारी सास में तो सब काम करवाती थी, बाप होती सब करते हैं। हम बाजार भी जाते हो ऐसी गवाड़न भाषा की बात है इनके गुस्से में। काम भी नहीं कर रहे, फिर भी हम काम ना कर रहे, खाना ना बना रहे, ऐसा थोड़ी हो। जो कौन सी भाषा है गुस्से में? पता नहीं कौन सी भाषा निकल रहा है। आपको डांट रही है और आप इतना हंस रही हो। मैं गुस्सा होकर गाना गा रही हूं। आ तो मुझे मेहंदी अभी लग रही है ना, मैं क्या करूं, मैं तो छुटा दूं। फिर पता कैसे चलेगा आपके बेटे मन से प्यार करते हैं कि नहीं? फिर मैं यही बोलूंगी, आपके बेटे मन से प्यार नहीं करते। सब करते, प्यार है सबका।
लाना नहीं है भैया, अब इतनी जल्दी आए और ये वाला मोबाइल मेरा था जो कि मुझसे छुड़ा लिया गया है, बहुत गंदा। क्योंकि अब ये मेरा हो गया है इसलिए तुम रोती रहो। वो खाना कब से परसा रखा है, अब जाके आए हो? खाएंगे खाएंगे, चाय तो बन रहा है। मम्मी चाय बन रही कि नहीं? बन रही है। आज की ताजा खबर, कई लोग बिस्किट गर्म कर रहे थे और क्या हो गया मम्मी? बिस्किट चिपक गई गैस में। चिपक गई? मेरे को लगा पिघल गई। दूध की काली कलौटी चाय। इसमें दूध डाला भी है कि नहीं? इतनी डार्क चाय, इसमें तो दूध निकाल लिया गया है। ऐसा लग रहा दूध दिखा दिया इस चाय को। नहीं फिर जरा डार्क से निकाली है। खा लो थोड़ी, फिर आए खाना घी लगा। नहीं आज बहू को पूरी गुलाब जामुन चलाए हैं, अच्छा गरम करके खा के देखो मस्त लगेगा। बन डाले जी बिस्किट गरम हुए। 2 hours later. नमस्ते भाभी। और कैसे हो? बढ़िया। दिख तो बड़े अच्छे रहे हो। ग्लोइंग ग्लोइंग। बहुत दिन बाद आए। इसलिए ज्यादा ग्लो। अरे ये भी मेहंदी लगाने लगी। क्या बोल रहे? इसलिए ज्यादा दिन में देखो ना, इसलिए ज्यादा ग्लो ग्लोइंग। नहीं यार आप तो हो ही। भाभी को भी लग गई है मेहंदी, तो मेहंदी फंक्शन चालू है। कल कहाँ जाओगी पूजा करने? सब दुल्हन बन बन के आएंगी। आप कितनी बार बन जाओगी? कौन सा साल रहेगा आपका? हाँ इनकी शादी को 15 साल हो गए, कोई बोलेगा नहीं कि 15 साल की पुरानी दुल्हन है। 2009 में हुई थी शादी। भाभी आप बूढ़ी हो गई। नहीं नहीं बुरी नहीं हुई अभी। कल ऐसे चमकते हुए आएंगी ना, बेचारी नई दुल्हन को पीछे ना छोड़ दें। यहाँ मम्मी अकेले काम कर रही हैं। क्या बना रही हो? मेथी। मेथी कौन थी? मेथी आलू था, प्याज थी, मिर्ची थी, लहसुन था, अदरक। चलो बहुत दिनों बाद मम्मी, अब कितने दिन बाद किचन के अंदर आई हो? कितने दिन बाद आई कि इनको याद ही नहीं है कब आई थी लास्ट टाइम। कितने गंदे पेड़ दिख रहे हैं। गंदी हो गिनोने पेड़ दिख रहे थे। भाभी आपने नहीं लगाए पैरों में मेहंदी? इनके तो कितने क्यूट लग रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं? क्यूट। कितना कचरा फैला के रखी हो। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है दिखा दो। मैं तुझे पहने जी। अच्छा कल पूरे संस्कार बगरेंगे। बताओ भाभी आपके पैरों में मैं लगा दूं मेहंदी? बहुत अच्छी लगाती हूँ। नहीं अच्छी लगाती। नहीं अच्छी लगाती। सही अच्छी लगाती। अच्छी लगाती ना? पेंटर है वो। ऐसे समझ रहे हैं टैलेंटेड भरी हुई हूँ मैं ऊपर से नीचे तक। तो अभी कैसे बुराई हो सकती है? तो बताओ ना पैर दो। भाभी के हाथ अच्छे लग रहे हैं। चीफ गेस्ट। कल की चीफ गेस्ट हमारे घर की। वहाँ मॉडलिंग में चीफ गेस्ट थी ना भाभी। कितने चीफ गेस्ट बन चुके हैं आप कितने शो में? तीन। अभी आपके करवा चौथ वाला वो नहीं हो रहा? हाँ अच्छी फीलिंग आती है। जैसे पहले यानी कि पहले पीछे बैठ के सीटों पे देखते थे, अब आगे सोफे पे एंट्री देते हैं। ये बोलो पहले कोई पूछता भी नहीं था, अब लोग पूछते हैं। पहले
अब आपको कोई नहीं पूछ रहा, आपको कोई नहीं पूछ रहा। अरे हमारे रवीना टंडन आ गई एकदम से। आग लग रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज करवा चौथ वाला फर्स्ट डे है, जो कि भाभी तो पूरा रेडी होके बैठी हैं। ये फर्स्ट करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। अब रंग लोग दिखाओ खड़े होके। ये पूरा रेडी है। कैसी लग रही हो? बकवास। हेलो पति देवी, कैसी लग रही हो? बहुत खतरनाक। दिल की बात है मम्मी। और मुझे गजरे चाहिए हैं, मुझे गजरे चाहिए, कुछ नहीं। यहाँ गजरे नहीं पाए जाते, यहाँ गजरे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इनसे कहें टीकमगढ़ से लाएं। नहीं, हमको गजरे चाहिए हैं। मम्मी जी आप गजरे लाइएगा मुझको। गजरे मिलते नहीं है यहाँ पे, गजरे होते ही नहीं है। कैसे होते हैं गजरे? फूल वाले होते हैं गजरे। नहीं नहीं, मैं रोने लगूंगी अभी। हाँ, मुझे गजरे चाहिए। A few moments later. बहु चश्मा लगा के प्याज काट रहा हूँ। बड़ी मॉडर्न बहू है हमारी। देखो म्यूजिक भी अच्छी बज रही है। मोहब्बत हो गई है तुमसे। 8 hours later. एक कस्टमर आया है तैयार होने के लिए। ये भाभी आप किस लिए तैयार हो रही? हम करवा चौथ के लिए तैयार हूँ। मैं पार्लर वाली भी हूँ, सिलाई वाली भी हूँ, सब हूँ। जय पूजा की तैयारी चल रही है। भाभी मैं आपको भी ले लूँ क्या? कब से कर रही हो? घूंघट के पीछे खाने तो नहीं लगी? मैं झाड़ू लगा रही हूँ। टेंडड़ा क्या मिरर वाली? यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई है सबको, और ये शाइनिंग शाइनिंग बन के आई है। मम्मी राजस्थानी बन के बैठी है। मम्मी आपको लुक दिखाओ, लुक दिखाओ। ये मस्त लग रही है। पोज वहां पे लगी जे तो फूल चढ़े और चढ़े मेवा, धान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। चांद तो रोड पे है, चलो चांद की चांदनी हो। तो मेरा नाम ले रहे हो, गुम्मा पड़ेगा। चांद ढूंढो, मेरे को तो तारा दिख रहा बस। लग रही भैया भाभी देखो, कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे थे कैसे? नहीं, नागिन कितनी खूबसूरत होती है, नहीं पता आपको? नहीं हमें नहीं है, बनना है। बनना क्या भाभी? और ये निकाल ले, सही बात तो सही है। देखने में कितनी एक से एक आ रही है। नागिन लग रहे हो, मतलब मैं नागिन ही बोल रही हूँ। चलो भाभी साहब, ये पूरी दुल्हन बन के खड़ी है, दो निकल चुकी है।
ले आना रिया दी अंदर से। कैसे चल रही है खकड़ खकड़ जा आगे जा चलो चलो झाड़ू अच्छी लग रही है इनके से। भाभी थोड़े आ गया हो ना आप। हाँ सही है दोनों को देख लेना। बस अब सही पानी पिला देंगे। भैया पानी पिलाएंगे बस बाद में पी लेना जी भर के। मट्टी हो रही है अभी तो। मिठाई उठाई खिला दीजिए इनको तो खिलाएंगे। पैर पड़ लो मेरे पति बोलते बतेरी के दिन रहता जो पैर पड़ते हैं वाली दिन लाल यहाँ पर करवा बदलने की रस्म चल रही है। नारियल फोड़ने कितना नारियल फोड़ने को मिले ये कितना सारा पानी है खोल दो ना उसको कब तक लटका है रहा हूँ। A few moments later कैसा रहा आपका पहला करवा चौथ? बहुत प्यारा बहुत अच्छा यहाँ माहौल लग रहे हैं दोनों के। एक दो फोटो खींचते हैं। मॉडल बहू कितने चली अंदर फोटो खिंचाने? संस्कार एक संस्कार है एक मॉडल है इसके आगे मैं बोलना नहीं चाहती। यहाँ तो मुझे फोटोग्राफर बना दिया और ये भाई साहब ने तो मुझे परेशान कर दिया फोटो खिंचा खिंचा के। तो होना ही चाहिए नंद है तो परेशान क्यों नहीं करे। सुंदर लग रही है बहुत बोलना पड़ता है ऐसा कैमरे के सामने। और इनका वीडियो कॉल चल रहा है। ये मेरा वीडियो कॉल चल रहा है। ये मेरी मॉम है। आंटी जी ब्लॉग में आ जाओ मेरे। क्या बोल रही? अच्छा अच्छा किट्टू भी है। किट्टू तुम भी आ जाओ मेरे ब्लॉग में। बच्चे लेंगे जाएंगे समय हो जाएगा ना। अरे वो बड़ी को लेके जाना पड़ेगा कल आज स्कूल कल स्कूल भी जाना पड़ेगा। अरे चलो फोटो अंदर जाके थोड़ी सी लोग के चलती है तुम। मेरी वैसे फोटो रंग की नहीं आती है। इतनी अच्छी शक्ल है भैया आपकी। कोई नहीं आती फोटो मेरी रंग की सच में नहीं आती। आ जाओ फोटो शूट के लिए व्याकुल हैं जे। जल्दी आओ मेरे को भूख भी लग रही है। खिंचवा लो खाने खाएगी फिर वो। जल्दी चले जाओ जाओ। यार बच्ची आ रही हूँ मेरे कैमरे में उधर ही देखो उधर ही। बस रोने तो नहीं वाली। क्यों सताते हो भूखे को? भूख में इंसान पागल हो जाता है। A few moments later चलो सब आ जाओ यहाँ खाना परस गया है। बुलाओ भाभी आ जाइए। भाभी तो पहले ठूसने में भिड़ गई। चलो जल्दी जल्दी आओ
चलो खाना स्टार्ट हो रहा है। रात के भाभी तो पहल पड़ी एक बार में, भाई बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत तेज वाली कूद गई, वो तो खाने में जंप मार दिया उनने सीधे। सबसे पहले मैं बैठी हूँ। चलो इसी बात से मेरा ब्लॉग होता है खत्म। बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।